पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न से सम्मानित अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। उनकी 94वीं जन्मतिथि पर आइए आपको सुनाते हैं लोकसभा में दिए गए उनके एक भाषण का अंश, जिसमें उन्होंने लोकतंत्र और बोलने की आज़ादी पर अपने विचार रखे। कांग्रेस के मित्र शायद भरोसा नहीं करेंगे, साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था, मैं आते जाते देखता था। नेहरू जी के साथ सदन में नोक झोंक भी हुआ करती थी, मैं नया था, पीछे बैठता था, कभी कभी तो बोलने के लिए मुझे वॉकआउट करना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, मैं आगे बढ़ा। और जब मैं विदेश मंत्री बन गया तो एक दिन मैंने देखा कि गलियारे में टंगा हुआ नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा ये चित्र कहां गया, कोई उत्तर नहीं दिया। वो चित्र वहां फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या देश में ये भावना पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका एक मिला जुला व्यक्तित्व है और आप में चर्चिल भी है और चैम्बरलेन भी है। वो नाराज नहीं हुए। शाम को किसी बैंकुट में मुलाकात हो गई और उन्होंने कहा आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना, लोग बोलना बंद कर देंगे। जब जेनेवा में मानवाधिकारों के सम्मेलन में कश्मीर के सवाल को हमारे पड़ोसी ने उठाने का फैसला किया, तो फिर उस समय के प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव की नजर मेरे ऊपर गई कि मैं वहां जाकर भारत का प्रतिनिधित्व करूं। हमारे पड़ोसी देश के लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ, वहां के नेताओं को बड़ा ताज्जुब हुआ। किसी नेता ने कहा भी कि भारत का लोकतंत्र विचित्र लोकतंत्र है कि प्रतिपक्ष का नेता अपनी सरकार के पक्ष को रखने के लिए जेनेवा जाता है, और एक हमारा प्रतिपक्ष का नेता है जो देश के भीतर ही ऐसी कठिनाइयां पैदा करता है जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाधाएं और उत्पन्न होती है। लोगों ने कहा कि नरसिंह राव जी सरल आदमी नहीं है, बड़े चतुर आदमी है। ये मत समझिए कि वो केवल देश की एकता का प्रदर्शन करने के लिए भेज रहे हैं। कहीं कहीं उनके मन में यह भी हो सकता है कि अगर जेनेवा में बात नहीं बनी और खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया तो दोष में हिस्सा बटाने के लिए वाजपेयी भी बलि का बकरा बनाया जा सकता है।